हेलो गाइस, जय श्री राम। आज की वीडियो में हम आपको अयोध्या के सभी टूरिस्ट प्लेस घुमाने वाले हैं, साथ ही सभी टूरिस्ट प्लेस के बारे में जानकारी दी जाएगी। अयोध्या स्टेशन से सभी टूरिस्ट प्लेस कितनी दूर है और अयोध्या स्टेशन से आपको होटल कितने नज़दीक मिल जाएगा जहां से सभी टूरिस्ट प्लेस नज़दीक हो, और इस वीडियो में सभी जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पहुंच गए अयोध्या रेलवे स्टेशन पर। अयोध्या रेलवे स्टेशन के सबसे नजदीक है हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ भवन, श्री राम जन्मभूमि। चलिए हम सबसे पहले चलते हैं हनुमानगढ़ी। जय हो हनुमानगढ़ी के राजा हनुमान जी महाराज। हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी, और यहां से हम लोग कुछ सीढ़ियों को चढ़ने के बाद में मंदिर में प्रवेश करेंगे। हनुमान जी को हनुमानगढ़ी का राजा भी कहा जाता है। अभी हम पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी के मंदिर में। हनुमानगढ़ी के मंदिर का दर्शन करने के बाद ही प्रभु श्री राम जन्मभूमि का दर्शन किया जाता है। हनुमानगढ़ी के राजा हनुमान जी यहाँ आने वाले सभी भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। कहा जाता है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद हम लोग चल रहे हैं कनक भवन, जो हनुमानगढ़ी से 500 मीटर की दूरी पर है। कनक भवन वह स्थान है जो माता सीता को कैकेयी माता ने मुंह दिखाई पर दिया था। ये खुरचन के पेड़े हैं यहाँ पर, बहुत ही मशहूर हैं। आप यहाँ आएंगे तो इन्हें भी टेस्ट कर सकते हैं। कनक भवन बहुत ही सुंदर स्थान है। ये पूरा भवन काफी बड़ा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर कनक की रसोई भी है। कनक की रसोई में आपको पेवर घी से बना हुआ खाना 150 रुपए में मिल जाता है एक थाली, और आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं एक और प्लेस। कनक भवन के नजदीक है दशरथ महल और प्रभु श्री राम मंदिर। हम चल रहे हैं दशरथ महल, जो दशरथ जी का महल है, दशरथ भवन है। काफी सुंदर ये बना हुआ है अंदर से। चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए, अंदर से काफी सुंदर बना हुआ है, और आप देखेंगे तो ये जितने भी पिलर है सब काफी पुराने हैं। ये रामायण कालीन भवन है जिसकी देखरेख की जा रही है, और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नजारा अंदर का है। आपको ये भवन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम चलते हैं दशरथ भवन के बाद हम सरयू घाट चल रहे हैं। सरयू घाट दशरथ भवन से लगभग 500-600 मीटर दूरी पर है। बहुत ही सुंदर नजारा यहाँ का है। यहाँ आकर आप नाव में घूम सकते हैं, और पूरी सरयू घाट का नजारा आप इस पर नाव पर बैठकर देख सकते हैं। चलिए आपको कुछ नजारे दिखा देते हैं। अयोध्या आने वाले सभी श्रद्धालु सरयू घाट पर स्नान जरूर करते हैं। स्नान करने के बाद में ये नई बिल्डिंग बनाई गई है, इसमें आप कपड़े चेंज कर सकते हैं। पहले ये सुविधा यहाँ पर नहीं थी, लेकिन आप जब आप अयोध्या आएंगे तो बहुत सारी नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं सरयू घाट से 100 मीटर की दूरी पर है लता मंगेशकर चौक। आप जब सरयू घाट आएंगे तो लता मंगेशकर चौक बगल में है, जरूर आइएगा। बहुत ही सुंदर बनाया गया है। अयोध्या का सबसे बड़ा सेल्फी पॉइंट भी है इस समय ये। ध्यान से देखिएगा, मूर्तिकारों ने माँ सरस्वती की बहुत ही सुंदर प्रतिमा इसमें बनाई है, और बहुत ही अच्छी कलाकृति की गई है। दोस्तों, इस विशाल मीना में प्रभु श्री राम के भजन हमेशा चलते रहते हैं, और ऐसी ही भीड़ यहाँ पर हमेशा लगी रहती है। चलिए आपको अब लेकर चलते हैं राम की पैड़ी की तरफ। राम की पैड़ी वो स्थान है जहाँ पर अयोध्या में दिवाली के दिन बहुत बड़ा लेजर शो होता है, आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा। और यहाँ दिवाली के दिन कई लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जाता है।
आगे की वीडियो में अयोध्या राम मंदिर के निकट के सभी 5 सबसे बढ़िया होटल की लिंक हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं अयोध्या राम मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है दर्शन नगर। दर्शन नगर में यह सूर्य कुंड बना है। ये सूर्य कुंड काफी सुंदर काफी अच्छा बना है। और एक बात और, अयोध्या में दिवाली के दिन जैसा लेजर शो होता है उसी के जैसा एक डेमो लेजर शो यहाँ पर हर रोज शाम 7:30 बजे से होता है। यदि आप अयोध्या घूमने के लिए आ रहे हैं तो इस लेजर शो को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। चलिए आपको कुछ और जानकारी इस सूर्य कुंड के बारे में देते हैं और अंदर लेकर चलते हैं। सूर्य कुंड ऐसी जगह है, यहाँ पर आकर आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको मैं सूर्य कुंड की कुछ तस्वीरें और दिखा देता हूँ। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, ये सामने का जो एरिया है यहीं पर आगे बना हुआ है लेजर शो का पूरा कॉन्सेप्ट। आप यहाँ का फुल लेजर शो देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप यहाँ का पूरा फुल लेजर शो देख सकते हैं। दोस्तों चलिए आपको यहाँ का मंदिर दिखा देते हैं। जय श्री राम। यहाँ मंदिर काफी सुंदर बनना है और बहुत जल्द बनकर ये तैयार हो जाएगा। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली कुछ वीडियो में अयोध्या का रेलवे स्टेशन, अयोध्या का एयरपोर्ट भी दिखाया है, आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।